देखो भाई, यमा की XSR 155 और होंडा की CB 150R, ये दोनों बाइक्स तो इंडियन टूलर मार्केट में अभी तक नहीं आई हैं और आगे का भी अभी तक पता नहीं है कि ये बाइक्स इंडिया में आएंगी या नहीं आएंगी। लेकिन भाई TVS बहुत जल्द एक रेट्रो स्टाइल वाली बाइक को इंडियन टूलर मार्केट में लेके आ रही है, जो 6 जुलाई को फाइनली मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो इस वीडियो में हम TVS की अपकमिंग बाइक रोनिन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो यार बात करते हैं कि ये बाइक किस टाइप की होगी। तो मार्केट में जैसे रूमर्स हैं और ऑटोमोबाइल वेबसाइट्स पे जो अपडेट मिलती रहती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि ये बाइक या तो रेट्रो स्क्रैम्बलर टाइप की बाइक होगी, जैसी यामा की XSR 155 है, या फिर ये बाइक रेट्रो क्रूजर टाइप की भी हो सकती है, जैसी रॉयल एनफील्ड की Meteor 350 है, और ये बाइक रेट्रो नियो स्पोर्ट्स कैफे टाइप की भी हो सकती है, जैसी होंडा की CB 150R है। तो भाई TVS की ये अपकमिंग रेट्रो बाइक होंडा की CB 150R और XSR 155 की कमी को पूरा कर सकती है, क्योंकि इंडियन टूलर मार्केट में स्मॉल सेगमेंट के अंदर रेट्रो स्टाइल की कोई भी बाइक नहीं है। यामा की FGX है, लेकिन उस बाइक की पावर उतनी अच्छी नहीं है। सो TVS की ये अपकमिंग रेट्रो बाइक मार्केट में काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। सो गाइज, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी कोई बाइक परचेज कर रहे हो तो 6 जुलाई तक बिल्कुल आप वेट कर लो। क्या पता इस बाइक के अंदर हमें लुक्स काफी अच्छे देखने को मिल जाएं, और क्या पता फीचर्स भी इस बाइक के काफी अच्छे हों। और अभी तक इस बाइक की सिर्फ एक ही पिक्चर लीक हुई है, जिसमें इस बाइक की LED हेडलाइट का डिजाइन लीक हुआ है। बाइक के अंदर रेट्रो स्टाइल राउंड शेप्ड LED हेडलाइट देखने को मिलेगी, जिसके अंदर टी शेप्ड LED DRLs देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा बाइक की और कोई भी पिक्चर लीक नहीं हुई है। और प्राइस के बारे में बात करें तो भाई इस बाइक का एक्शोरूम प्राइस हमें 1,40,000 रुपये से लेके 1,60,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। और बाइक के अंदर में 225cc का या फिर 250cc का एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी पावर 24 PS के आसपास देखने को मिलेगी, और 20 Nm की बाइक की मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट होगी विद 5-speed ट्रांसमिशन। अभी तक तो TVS ने स्मॉल सेगमेंट के अंदर कोई भी 6-speed ट्रांसमिशन वाला इंजन नहीं बनाया है। सो काफी हद तक तो चांसेस यही हैं कि इस बाइक के अंदर हमें 5-speed गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। और बाइक के इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो बाइक के अंदर हमें ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे TVS फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, क्योंकि TVS फीचर्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। बाइक के अंदर हमें LED हेडलाइट, LED इंडिकेटर्स, LCD डिस्प्ले वाला फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, LED टेल लाइट देखने को मिलेगी, और साथ ही बाइक के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम भी देखने को मिल सकता है। और बाइक के डिज़ाइन एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो बाइक हमें काफ़ी हद तक रेट्रो स्टाइल और रेट्रो डिज़ाइन के साथ देखने को मिलेगी, जो मोस्ट प्रोबेबली CB 150R के जैसे नियो स्पोर्ट्स कैफे टाइप की बाइक हो सकती है। और TVS ने रिसेंटली ही इस बाइक का एक टीज़र भी रिलीज़ किया है, जिसके अंदर TVS ने सिर्फ बाइक की हेडलाइट के डिज़ाइन को दिखाया है, और बाइक के टीज़र के साथ TVS हैशटैग यूज़ कर रही है न्यू वे ऑफ लाइफ। और TVS की ये अपकमिंग बाइक इंडियन टूलर मार्केट में बजाज की एवेंजर सीरीज के साथ कम्पीट करेगी, यामा की FGX के साथ कम्पीट करेगी। अब बात करें बाइक के सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो बाइक के अंदर मोस्ट प्रोबेबली अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले TVS की एक रेट्रो स्टाइल वाली बाइक टेस्टिंग के टाइम पे स्पोर्ट हुई थी। उस बाइक के अंदर अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स थे, रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन था। तो इस बाइक के अंदर भी हमें सस्पेंशन कुछ ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बाइक के अंदर फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगी। अगर ये बाइक 225cc की या फिर 250cc सेगमेंट की बाइक होती है तो डेफिनेटली बाइक के अंदर ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलेगा, और अगर बाइक के अंदर 160cc का या 180cc का इंजन होगा तो फिर बाइक के अंदर हमें स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा। सो गाइज, अगर आप अभी कोई बाइक लेने वाले हो तो भाई 6 जुलाई तक आप वेट कर लो, क्योंकि TVS की रोनिन से मेरी भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। ये बाइक एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकती है, और बिल्कुल ये बाइक मार्केट में होंडा की CB 150R और यामा की XSR 155 की कमी को पूरा कर सकती है। बाकी गाइज, आपकी इस बाइक के साथ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।